ट्वेल्व नंबर यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में जीरो। यहाँ क्या रहा है, वाई इक्वल टू वन या डी एक्स इक्वल टू वन। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देखना है ना, समघातीय अवकल समीकरण के ही रूप में, हमें इसे वैसे भी साबित करके नहीं दिखाना था कुछ की समघातीय है। अब सीधे हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना y इक्वल टू में वी एक्स, तो यहाँ से v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, ठीक है। अब चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस में भी। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाएगा, यहाँ डी वी बटा में डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस यहाँ पर एक्स और यहाँ पे वाई की जगह हो जाएगा वी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो, और बाई में आपका एक्स स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे ना जी, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ भी प्लस भी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू में माइनस भी और यहाँ माइनस का क्या है भी स्क्वायर है, ये पाई प्लस वाला इधर रखे माइनस का भी हो जाएगा। यहाँ डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका माइनस भी स्क्वायर माइनस का टू भी, ठीक है। इसमें से आप माइनस कॉमन कर लेंगे और इधर लाएंगे, सेपरेट करते हैं तो डी माइनस का क्या हो जाएगा वन बाई, यहाँ से माइनस भी कॉमन कर लेते हैं या माइनस को भी कॉमन करेंगे तो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा भी इंटू में क्या आ जाएगा टू, वी माइनस में टू, यही ना हो जाएगा, समझ गया ना। या माइनस आप उधर ही छोड़ दो, एक स्टेप में छोड़ो, उससे अच्छा कि मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में माइनस का यहाँ वी कॉमन करेंगे तो वी प्लस टू आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यहाँ हो जाएगा वन बाई वी इंटू में वी प्लस टू डी वी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई डी एक्स बाई एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हम लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर क्या हो जाएगा, समाकल करेंगे तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वी इंटू में वी प्लस टू डी वी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए अब एक काम करो, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से दो से भाग कर देता हूँ और दो से गुना कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस डी एक्स बाई एक्स, अब देखिए इसके बाद मैं ऐसा क्यों किया हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वन बाई टू, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसे चाहोगे तो इसे ऐसे नहीं सकते हो, वन बाई वी और माइनस में वन बाई वी प्लस टू डी वी, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ वी प्लस टू यहाँ माइनस वी आ जाएगा, वी से वी कट जाएगा, यही ना बच जाएगा आपका, एलसीएम में किसी प्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ दो से भाग कर दिया और दो से गुना किया था और इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं, वन बाई टू ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग वी, अच्छा माइनस लॉग वी प्लस टू इक्वल टू में माइनस लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ प्लस में सी ले लें या लॉग सी ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये टू डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा लॉग वी माइनस लॉग वी प्लस टू इक्वल टू में माइनस टू लॉग एक्स प्लस में टू लॉग
सी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग वी बाई में वी प्लस टू, माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको हम लोग इधर लगते हैं प्लस में हो जाएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर टू लॉग सी या लॉग सी का स्क्वायर भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वी का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको देख रहे हैं प्लस में तो इनटू में कर देते हैं और वी का वैल्यू भी रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई बाई एक्स, बाई में वाई बाई एक्स और प्लस टू, ठीक है, और इनटू में हम लोग एक्स स्क्वायर देते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में दिया जाएगा, इसको अलग से पहले लिखो, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लॉग सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं, लॉग वाई बाई एक्स बाई में एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ वाई प्लस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा और प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लॉग सी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इससे। चलिए इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं प्लस में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर वाई बाई में वाई प्लस में टू एक्स इक्वल टू में लॉग सी स्क्वायर। तो लॉग लॉग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाई में बाई में वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू में सी स्क्वायर। चलिए क्या कह रहा था आपके क्वेश्चन में, कि कह रहा था कि आपका वाई इक्वल टू वन होगा यदि एक्स इक्वल टू वन है, तो चलिए हम लोग वन वन इसमें पुट करते हैं, तो वन का स्क्वायर इंटू वन बाई वन प्लस टू इंटू वन इक्वल टू में सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा वन बाई थ्री, सी का वैल्यू यही ना हो जाएगा वन बाई थ्री, यही ना होगा। तो अब इसमें यहाँ पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर का वैल्यू वन बाई थ्री होगा, सॉरी, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारा जो विशिष्ट हल होगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, वह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाई वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू में सी स्क्वायर का वैल्यू वन बाई थ्री। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू में थ्री एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपके अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।